फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है, नाश्ता मैंने बना लिया है। नाश्ते में आज पोहा बना रखा है और बनाना सही बना रखा है। और अभी टाइम हो रहा है, करेक्ट 8 बज रही है और 8:30 बजे जाते हैं नेगी जी ड्यूटी। तो अभी नेगी जी भी घर पर ही हैं और नेगी जी शायद आज थोड़ा सा लेट जाएँ या हाफ डे जाएँ, क्योंकि आज सीमेंट वगैरह आ रही है। तो आज होगा प्लास्टर और कल लगेगी टाइल्स। तो फ्रेंड्स, देखती हूँ आज कितना ब्लॉग बना पाती हूँ। कल तो कुछ ज़्यादा खास बना नहीं पाई हूँ, तो आज भी शायद बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, क्योंकि काम लग रखा है। तो बस ऐसे ही होता है। तो ये देखिए, इतने सारे मेरे बाल निकल रहे, दिख रहे आपको कितने सारे बाल निकल रहे हैं? बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। और यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, 44 डिग्री टेम्परेचर है। आप लोग यहाँ गर्मी कैसे कैसे है बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट इनको नाश्ता दे लेती हूँ, फिर वो लोग आ जाएंगे और अपना भी सेक पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज मेरी डाइटिंग का 8वां दिन है। वैसे मैंने हफ्ते भर का ही चैलेंज दिया था अपने आप को। हफ्ते भर में मेरे 2 केजी वज़न कम हुआ, कल मैंने नापा था। तो अभी मतलब कर रही हूँ, मतलब शुगर वगैरह तो मैंने बंद ही कर रखा है, लेकिन उतना कड़क परहेज नहीं कर रही हूँ। आप खाना चाहे ना भी छोड़ें कोई बात नहीं, तीनों टाइम खा लें, लेकिन खाना खाने के बाद ना 1 कप गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खाते हो ना, जो आपके शरीर में फैट बनाता है, वो गर्म पानी के द्वारा सीधा मतलब क्लीन हो जाता है। तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो गर्म पानी, जैसे हम चाय पीते हैं ना सिप सिप करके, उतना गर्म पानी ज़रूर पीना है खाना खाने के आधा घंटे बाद, 20 मिनट या 30 मिनट बाद, ठीक है? तो बस यही है। तो इसको तो मैं कंटिन्यू रखूँगी साल भर तक, लेकिन अब ये जो परहेज है ना, इतना नहीं भी करूँगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब इतना तो होना ही चाहिए। तो पर फिर भी 1-2 केजी और कम हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अब बाद में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोपहर का टाइम था और मैंने बनाया था बेल का जूस। नेगी जी भी घर ही थे, तो ये 3 बड़े गिलास बेल का जूस निकला था और 1 छोटा गिलास निकला था। और आज मैंने ना मिक्सी में बनाया, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे मार्केट वाला होता ना, एकदम तीत से लगते हैं, अजीब सा वैसा ही हो रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको। और जब मैंने परसों हाथ से बनाया था ना, तो वो बहुत अच्छा हो रहा था। तो रेसी ने भी पूरा 1 गिलास पी लिया था, लेकिन आज उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये फिर हमने पिया और उनके लिए बनाई मैंने मिस्त्री लोगों के लिए चाय, क्योंकि वो बोलते हैं कि उनको मतलब चाय ही लगती है ना, जैसे थकान हो जाती काम करके, तो चाय से थोड़ा सा उनको अच्छा लगता होगा। तो मिस्त्री लोगों के लिए 2 चाय बनती है, 1 शाम को 4:30 बजे बनती है, 1 सुबह 11 बजे बनती है। थोड़ा मीठी चाय पीते हैं वो लोग, तो मैंने उन लोगों के लिए चाय बनाई, 3 थे। अभी शाम की ना 6 बज रही है और मैं सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मिस्त्रियों के साथ थी, सुबह से नेगी जी थे, उसके बाद ना मैं रही। और ये मैंने ऑनलाइन एक नाइट सूट मंगाया था, वो आ गया, वो देखने का भी टाइम नहीं लगा, दिन में आ गया था। और अब ना वो जाएंगे, तो उसके बाद मैं करूँगी सफाई, अंदर झाड़ू पोछा, बाहर की धुलाई, फिर नहाऊँगी, और बहुत सारा काम है। तो कभी उनको चाय देना, कभी उनको पानी देना, कभी कुछ देना। तो घर में एक छोटा सा काम भी कराओ ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। और पुराने टाइल्स जो हमने दीवार के हैं, नीचे के हैं, मतलब दीवार के हैं, जो फ्लोर के, सब हमने तुड़वा दिए हैं और नए लगवा दिए हैं। तो लगवा दिए नहीं है, मतलब अभी तो प्लास्टर हुआ है, कल लगेंगे। मे बी कल छुट्टी करें या परसों लगाए, कल लगाए, कब लगाए। तो जब लग जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी उन्होंने कितना काम किया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में उन लोगों के जाने के बाद। फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी इसकी सफाई, उन लोगों की ड्यूटी ख़त्म, मेरी ड्यूटी शुरू। अब 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा, 2 घंटे तक मैं इस पर लगी रहूँगी। पहले सीख वाले झाड़ू से लगाऊँगी झाड़ू, फिर फूल वाले से, फिर पोछा लगूँगी, फिर पानी भरूँगी, फिर नहाऊँगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अब सीधा नहाने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काम यहाँ इतना हो गया। ये देखिए, प्लास्टर वगैरह सब हो गया है। ये देखिए, जहाँ जहाँ टाइल्स लगानी है, और ये लाइट का वो ख़राब हो रखा था ना, ये निकाल दिया है और वो लगा दिया है। तो यहाँ नीचे कल होगा, और उसके बाद ये देखिए, ये वाला भी पूरा हो गया है, ये दीवार पूरी हो गई है। ये देखिए,
तो ये देखिए फ्रेंड्स, गंदगी देखिए। अब यहाँ सफाई करने की बारी मेरी है, यहाँ से लेके पूरे बाहर से लेके, ये जो डस्ट दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये पहले इसे झाड़ू से साफ करूँगी, उसके बाद इसमें पोछा लगाऊंगी पूरे में। ये देखिए पूरा बहुत किरकिर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, नहा तो मैं गई थी, उसके बाद लग गई थी और कामों में, और यहाँ आने लग गया बहुत तेज़ आंधी तूफान, और अभी ना बारिश आ रही है बाहर, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती, अंधेरा हो गया। और फिर नेगी जी आ गए थे और रेसी ने बोला कि मुझे ना छोला कुलचा खाना है, तो फिर नेगी जी ने छोला कुलचा मंगाया था, तो अभी वो ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, तो बाहर पे वो लोग हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ बाहर। और क्या बोलते हैं, रेसी देख रहा है आजकल मैच चल रहे हैं, टेस्ट मैच शायद, तो मैच देख रहा है रेसी। और मैंने मक्की रखी है बॉयल करने के लिए, कल या परसों में मक्की लेके आई थी मार्केट से, रेसी के बाल कटाने गई थी। तो फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको कि कैसा आ रहा है। यहाँ से हमने पहली बार ऑर्डर किया है पंजाबी ढाबे से, खाना तो वहाँ का अच्छा रहता है, खाना खा रखे हैं, लेकिन छोले कुलचे फर्स्ट टाइम ऑर्डर किए हैं वहाँ से, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है, मीशो से मैंने नाइट सूट मंगाया था, ये मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रही हूँ, और ये प्योर कॉटन का है, तो एक साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही मंगाएं तो अच्छा है। कैसा है बताइए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ना रेसी की फरमाइश में छोले कुलचे भी आ चुके थे और बहुत जल्दी आ गए थे, और नेगी जी को आए हुए कुछ ही टाइम हुआ था, हम थोड़ा बैठे थे और मैंने ये नाइट सूट ही ओपन किया था, बस यही खोल के देख रही थी, तभी हमारा खाना भी आ गया। तो ये देखिए, आज मेरी ना मतलब कितने 9 दिन हो गए, 9 दिन की डाइटिंग जो है सब मतलब धरी की धरी रह जाएगी। आज मैंने सोचा चलिए, मैं बहुत दिनों से ऑयल बहुत कम मतलब ना के सामान डाल रही थी सब्जी में, और चीनी तो मैंने बिल्कुल बंद कर रखी थी, लेकिन आज थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, और फिर रेसी 2 दिन से बोल रहा था छोले कुलचे मतलब खाने को, तो हमने सबके लिए एक एक प्लेट ये मंगा दी है। और इसमें शायद एक कुलचा रहता होगा बड़ा वाला, मतलब कुलचा तो बड़ा रहता है, तो उसके 4 पीस रहते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पंजाबी ढाबे से मंगाया था, वहाँ खाना तो हमने खा रखा है, खाना तो टेस्टी होता ही है, लेकिन ये छोले कुलचे पहली बार ट्राई करे हमने। तो मित्रा दा क्या था, वो मित्रा दा ढाबा ऐसे करके कुछ था, वहाँ के खाए थे हमने एक बार। और ये देखिए, सैलेड इतना सारा आ रखा था, नेगी जी ने घर में भी सैलेड काट रखा था, तो मैं बोली इतना सारा सैलेड कैसे खाएंगे अब रात को, लेकिन हमने ना खा ही लिया था सबने, तीनों ने मिलके, और बहुत मज़ा आया सच में। और थाली आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है मतलब ना, और थोड़ा सा मैं खाना ना गरम गरम ही था, और थोड़ा सा अब आने में ना मतलब इधर उधर हो गया था, क्योंकि ये जो थालियाँ रहती है थोड़ा सा वैसी रहती ना सॉफ्ट प्लास्टिक होता है जो, और उसके बाद मैंने रात की तैयारी कर ली थी। ये देखिए, भिंडी धो के रख ली थी और मक्की मैंने बॉईल की थी, तो ये मक्की है, देखिए दूसरी बार लाई हूँ मैं मक्की, और बहुत मीठी बहुत अच्छी है। परसों हमने ऐसे ही पका के खाई थी नींबू और काला नमक लगा के, आज मैंने बॉईल की है। और ये आम लेके आए थे, ये वाले आम भी पहली बार आए हैं इस सीज़न के, तो ये भी मैंने धो के रख लिए, नहीं तो अभी तक ना सेक वाले आम आ रहे थे, तो बस ये सुबह का आधा काम कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ ही इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और मिलते हैं कल फिर आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।